अस्सलाम वालेकुम। जब हम बात कर रहे होते हैं विजुलाइजेशन की, तो बहुत दफा हम कहते हैं कि कौन सा चार्ट ज्यादा बेहतर होगा हमारी विजुलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत दफा हम पाई चार्ट को, जब आपके स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, पाई चार्ट को नहीं बनाते। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन रिसर्च की फील्ड में जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमने कोई ग्राफ बनाना है, कोई विजुलाइजेशन बनानी है, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं मुख्तलिफ चार्ट्स को एज कम्पेयर टू पाई चार्ट। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। तो आज जो हम बहुत एक बड़ी जंग है कि पाई चार्ट वर्सेस बार चार्ट, कौन जीत सकता है ये जंग, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो रिसर्च फील्ड है, डेटा साइंस फील्ड है। इसमें मोस्टली हम बार चार्ट इस्तेमाल करते हैं, हम पाई चार्ट को कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम पाई चार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। पाई चार्ट बहुत मुख्तलिफ जगहों पे अहम हो सकता है, और ये हम देखेंगे अभी कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम पाई चार्ट लगा सकते हैं, या अभी जो हम आम जो कोई एग्जाम्पल लेते हैं उसमें हम पाई चार्ट लगाएं तो क्या हमारे पास विजुअलाइजेशन बनती है, और अगर हम बार चार्ट बनाते हैं उसी एक सिचुएशन में तो क्या वो बेहतर बनता है या नहीं बनता। और आपका इसमें ये काम होगा कि आपने ये जो मैंने अभी बताना है, साथ साथ आपने कोई एक एग्जाम्पल खुद उठानी है, और उसी की बुनियाद पे आपने एक पाई चार्ट और एक बार चार्ट बनाकर रख लेना है, और मुझे ये बताना है कि आपके सिचुएशन में किसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया था, ठीक है। चले शुरू करते हैं। क्योंकि कुडेनिक्स में हम बहुत अंग्रेजी और सैम और जैक की चीजों में नहीं जाते, हम ये वाली बात करते हैं कि रशीद ने क्या किया, बशीर ने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रशीद का जो डेली रोजाना की बेसिस पे जो घंटे वो लगाता है कि कितनी देर उसने खाया, फिर आराम किया, फिर काम किया, वो कितने घंटे लगे, तो यहाँ पर हमारे पास चार बेसिक डिविजन है। तो यहाँ पर आगे के रेस्ट, उसने इतने घंटे किया, यहाँ पर गिवन तो नहीं है कि कितने घंटे किया, लेकिन क्योंकि हमने ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल दिन में उसने सबसे ज्यादा टाइम जो है वो किस चीज पर लगाया, सोने पर या काम पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर यहाँ पर परसेंटेज गिवन होती, जो कि यूजुअली जब हम पाई चार्ट बनाते हैं और दिखाते हैं उसमें गिवन होती है, तो हम यहाँ पर समझ सकते थे कि किस चीज में ज्यादा वक्त या ज्यादा घंटे लगते हैं रशीद के एक दिन में। लेकिन यहाँ पर तो गिवन नहीं है, और जो काम और सोने में जो हमें नजर आ रहा है पीले रंग में और सब्ज रंग में, वो कुछ खास डिफरेंस नजर आ नहीं रहा मुझे, और समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। इस सिचुएशन में अगर मैं बार ग्राफ बनाऊं, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वर्क, अगर मैं फॉर एग्जांपल आवर्स मेरे पास मेंशन नहीं है, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि जो काम है वो कम है एक घंटा स्लीप से, या थोड़ा सा कम है अगर मैंने नहीं देखने घंटे के फिगर। लेकिन बार ग्राफ हमें ज्यादा बेहतर तस्वीर प्रोवाइड कर रहा है इस सिचुएशन में कि रशीद ने एक घंटा कम दिया काम को एज कम्पेयर टू सोने को तरजीह दी उसने। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें ये नजर आ रहा है कि बार चार्ट बेहतर परफॉर्म कर रहा है पाई चार्ट से। हाँ, ये सिचुएशन हो सकती थी कि हम पाई चार्ट के अंदर, इस पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज ऐड कर देते, तो हमें पता चल सकता है कि वर्क और स्लीप में डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स हो जाते हैं, तो जो पाई चार्ट है वो बहुत छोटी छोटी पाए, या बहुत छोटे छोटे जिसकी क्या कहना चाहिए उसको, उसके चंक्स हैं, ठीक है, वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चंक कितनी उसकी वैल्यू कितनी प्रोपोर्शन के साथ आ रहा है। उस तरह से हालांकि पाए चार्ट बहुत मैस क्रिएट कर सकता है, तो पाए बार चार्ट बेहतर है उस सिचुएशन में, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये देखना है कि अच्छा, रशीद ने 8 घंटे की स्लीप ली है और 7 घंटे काम किया है, 2 घंटे उसने खाने पे लगाए हैं, और तकरीबन 6 घंटे उसने आराम करने पे लगाए, तो रशीद हमसे बेहतर है क्योंकि वो 8 घंटे सोता है और 7 घंटे वो काम करता है।
अच्छा, अगर हम इस सारे घंटे को कैलकुलेट करें तो 24 घंटे बनते हैं कि नहीं बनते? जरा कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखें कि रशीद सारे दिन में जी सारे काम कर रहा है, काम भी कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है और आराम कर रहा है, वो 24 घंटे बनते हैं कि नहीं बनते? और कहीं रशीद कोई एलियन तो नहीं है? एनीवेज, अब हम कंपेयर कर लेते हैं उसके भाई के साथ, ठीक है? रशीद और बशीर को हमने पकड़ा और हमने देखा कि उनके खाने में, सोने में, काम करने में कितना डिफरेंस आता है। तो हमने कहा कि सबसे पहले नज़र तो खाने में पड़ती है, क्योंकि पंजाब के लोग हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जो खाने वाले एरियाज पर पड़ रही है कि बशीर जो है वो ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा खाने से मतलब ज़्यादा घंटे खाने पर लगाता है। शायद वो कम खाता हो, ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता खाता हो, लेकिन ठीक है। बशीर ने ज़्यादा घंटे लगाए खाने में रशीद की निस्बत। और अच्छा, यहाँ पर बशीर का जो रेस्ट वाला टाइम है वो भी मुझे लग रहा है कम है, बशीर का कम है और रशीद का ज़्यादा है। जो वर्क और स्लीप रेशो है बशीर की और रशीद की, इसमें मुझे अभी भी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। तो हम क्या करते हैं, बार चार्ट बना के यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बार चार्ट बनाया है तो हमें जो सब्स बार है वो बशीर की है, ठीक है, और जो नीली है वो रशीद की है। यहाँ पर हमें साफ साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि बशीर ज़्यादा काम कर, ठीक है, और बशीर ज़्यादा खाने पर टाइम लगा रहा है, ठीक है, और बाकी कंपेरेबल उसके जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो हमें क्लियरली समझ में आ रहे हैं बार चार्ट में, एज कम्पेयर टू अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर पाई चार्ट में जब दो चीज़ों के जो हमें डिफरेंस बता रहे हैं तो भी पाई चार्ट हमें सही तरीके से नहीं डिफरेंस बता पा रहा, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ हमें तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर देखना है, फिर हमने वहाँ पर देखना है। एज कम्पेयर टू अगर हम बार चार्ट ही बना लें तो एक बार में वो हमें एक इंफॉर्मेशन वर्क की है, जैसे यहाँ पर वर्क की इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे हमें दोनों की समझ में आ रही है और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस सिचुएशन में बार चार्ट हमें ज्यादा अहम और ज्यादा कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने काम देखा है उसमें बार चार्ट विनर है, क्योंकि वो हमें कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। बहुत मैसी विजुअलाइजेशन अगर हम किसी को दिखाएंगे कि हमने ये वाला काम किया था, उसको विजुलाइज हमने किया कर दिया, बार हमने 10 बार्स बना के दिखाए हैं या 10 पाए बना के दिखाए हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे बार्स होंगे वो कम्पैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू पाए, क्योंकि हम 10 बार्स बना के दिखा रहे हैं वो एक ही चार्ट में हम बना के दिखा सकते हैं, लेकिन हम 10 पाए बना के दिखा रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ दिखाने पड़ेंगे और फिर हम उसके दरमियान डिफरेंस भी सही से नहीं बता सकते। लेकिन पाई चार्ट किस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वो आपने एग्जांपल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और जैसे मैंने पहले कहा था, आपने बना के भी रख लेना अपने पास और डन आपने लिख लेना, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन में बार चार्ट बेहतर था या पाई चार्ट बेहतर था, वो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और ग्राफ आपने सब आगे रखना है, क्योंकि आपको मैंने हम देखेंगे कि कौन सा चार्ट पाई चार्ट जो आपने बनाया वो किस सिचुएशन में बेहतर है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने जरूर ढूंढेंगे पाई चार्ट किस में बेहतर हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।